Clear blue skies, long winding road, lot of unfulfilled moments, picturesque destinations, a lot of time to unwind and relax. चलो चले एक ऐसी जगह जहाँ पे वक्त रुक जाता है. Escape the mundane at Chandoli. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Life is an endless vacation के इस और तीन episodes में हम आपको लेके जा रहे हैं एक very special place called Chandoli. ये प्लेस इतनी स्पेशल इसके लिए है क्योंकि ये शहरी भागदौड़ से काफ़ी दूर है, विच मीन्स इट इज़ एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन. प्लस हम अपनी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इट इज़ अ स्पेशल ओकेजन फॉर अस. और मैं अपना बचपन यहाँ पे बिता चुका हूँ और कुछ 40 साल बाद वापस मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, तो इसके लिए और भी खास है मेरे लिए. तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग. और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो सुबह सुबह निकल पड़े हम पुणे से और अब हम पहुंच गए कात्रज घाट. रास्ते खाली हैं और मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, इसके लिए ड्राइव का बहुत ही मज़ा आ रहा है. Oh, what a lovely drive. आज वीकडे है और ट्रैफिक ना के बराबर है, तो हाईवे पे भी बहुत ही मजा आ रहा है ड्राइव करने का. हम अब पहुंच गए खंबाट की घाट एंड लुक एट द स्काइज गाइस, ऑसम. वी आर रियली एंजॉयिंग द ड्राइव टुडे. अब हमने हाईवे छोड़ दिया है और कराड़ के यहाँ से राइट टर्न ले लिया है टुवर्ड्स चांदोली. और 15-20 मिनट के ड्राइव के बाद अब आ गया है एक सुंदर पहाड़ी रास्ता. रास्ते पे कोई नहीं है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है और मौसम सुहाना हो रहा है. जैसे जैसे चांदोली पास आ रहा है वैसे वैसे ड्राइव और सुंदर होती जा रही है और हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है. इस खाली रास्ते पे अब हमारा थोड़ा सा टाइम पास करने का मूड हो रहा है और हमने यहाँ गाड़ी रोक दी है. और थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद अब हम फिर चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. सुंदर से नज़ारे अब भी साथ दे रहे हैं हमारा. और आधे घंटे की ड्राइव के बाद अब हम आ गए हैं वारणा रिवर ब्रिज. सुंदर सा नज़ारा है तो ऑब्वियसली फोटोग्राफी तो बनती है. और यहाँ खूब सारी फोटोग्राफी करने के बाद अब हम आगे चल पड़े हैं. खेतों खलिहानों से हमारा रास्ता तय करते हुए हम पहुँचेंगे अपने होम स्टे. यार अमित, अब मुझे कटहल तुम तोड़ पाओगे? नहीं,
ये होता है खेतों में आने का एक्साइटमेंट। हम अब पहुंच गए हैं नदी किनारा होम स्टे। खेतों के बीच और नदी किनारे बसा हुआ एक बढ़िया सा होम स्टे है ये। दोपहर हो गई है और जोरों की भूख लगी है, तो चेक इन करते ही हमने अब अपना डेरा डाल दिया है आंगन में, जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने लंच का। बढ़िया सी पेट पूजा और थोड़े से आराम के बाद अब हम निकल पड़े हैं नदी की ओर। ये आ गई है सुंदर सी वारणा नदी। नदी में एक रिफ्रेशिंग डिप के बाद अब हम चल पड़े हैं थोड़ा सैर सपाटा करने। तो यहीं पास में एक अंबाबाई का मंदिर है जंगल में छुपा हुआ, तो ड्राइव करके अब हम आ गए हैं अंबाबाई के मंदिर के यहाँ। अंबाबाई के दर्शन के बाद हमने ड्राइव किया अंबाई वाड़ी तक, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहां पे रास्ता ख़त्म हो जाता है। यहां से एक छोटा वाटरफॉल भी है उखड़ू वाटरफॉल करके, लेकिन समर में ये चालू नहीं होता, इसके लिए हम वापस मुड़ गए और एक खूबसूरत ड्राइव का आनंद लिया।
अब हम वापस पहुंच गए हैं अपने होम स्टे और काफ़ी सारा टाइम है इसके लिए हम अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं कानवन डैम। आधे घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं कानवन और ये बेस्ट होगा। बेस्ट पानी सूख गया है। नहीं सारी इधर अपना सूख गया है। नहीं चलना है ना? हाँ सेफ है ना? फिर हम ऊपर नहीं जाएंगे हमें, गाड़ी यही खड़ी करनी पड़ेगी। इधर ही नहीं, इधर तो है ना, ये आगे आ तो गया, आ तो गया, लेकिन गाड़ी जाएगी क्या हमारी? हाँ जाएगी जाएगी। ब्यूटिफुल, वी आर राइट ऑन टाइम। सनसेट होने ही वाला था और हम यहाँ पहुँच गए। It was a beautiful evening. We wished we could spend some more time here. पर वो कहते हैं ना, all good things come to an end. तो हमने कानवन डैम को गुडबाय कर दिया और चल पड़े वापस अपने होम स्टे की तरफ।